एक बात मैं आप सबकी उपस्थिति में आदरणीय बीडी कल्ला साहब से कहना चाहता हूं, कह दो, और कल्ला साहब से कहना चाहता हूं कि बुद्धि प्रकाश दादीज के संचालन में जिस जिस मंत्री ने कवि सम्मेलन पूरा सुना वो आगे जाके मुख्यमंत्री बना। हाँ, देश में कई उदाहरण ऐसे, और एक बार एक मुख्यमंत्री ने सुन लिया था आज प्रधानमंत्री है। मैं आदरणीय कल्ला साहब से एक बार अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर पधारे। हम आपका हार्दिक अभिनंदन शब्दों के साथ और आपके वचनामृत के साथ यहां पर लेना चाहते हैं आनंद। मैं जानता हूं कि दो दो विभाग आपके पास है, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, तीन तीन विभाग आपके साथ हैं, कला और संस्कृति भी आपके पास ही है, तो थोड़ा बहुत बजट का विसंबल क्या निकलवा देना। राजस्थान सरकार की तरफ से मैं आदरणीय कल्ला साहब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं देश के कवियों की तरफ से कि देश के सभी राज्यों में संस्कृति विभाग की तरफ से हिंदी के कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। अकेला राजस्थान एक विभाग है जिसकी तरफ से कोई कवि सम्मेलन राजस्थान में नहीं होता है। मैं आज आपकी उपस्थिति में चाहता हूं कि आप अपने भाग मन से ऐसा प्रकट कर दें कि राजस्थान में हिंदी के लिए कुछ कविताएं और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आपकी जो उपस्थिति में हो जाए। हिंदी के लिए राजस्थान सरकार संस्कृति विभाग के द्वारा कुछ करें, हम इसे सम्मानीय मंच पर विराजित कविगण, हमारी बहन कवित्री, लोखा के प्रथम नागरिक नारायण जी झंवर जी और उपस्थित सभी लोखा के नागरिक बंधुओं, मैं लोखा के स्थापना दिवस 92वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। स्थान पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूर्य नहीं पहुंच पाता वहां कवि की नजर पड़ जाती है। अभी बहुत कवि सम्मेलन का आप आनंद ले रहे थे, मुझे बीच में ही अड़बे की तरह खड़ा कर दिया। संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण विना, संगीत साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिना सींग और पूंछ वाले व्यक्ति के समान होता है। मुझे बहुत खुशी है कि नोखा के लोग उसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आप कला और संस्कृति के प्रशंसक और पोषक हैं। हर साल आपके यहाँ कवि सम्मेलन होता है, मैं संयोजक जी से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जितनी भी अकादमियां हैं वो निरंतर कवि सम्मेलन करती है, और मैं अनिवार्य रूप से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जितनी भी अकादमी है, चाहे वो ब्रज भाषा अकादमी है, चाहे वो साहित्य अकादमी है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, सभी कवि सम्मेलनों का आयोजन आवश्यक रूप से करेंगे। क्या बात है, इसलिए 5 साल में क्या हुआ, अकादमियों का गठन ही नहीं हुआ, तो कवि सम्मेलन कहां से होते। अब मैं मेरी 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो कला और संस्कृति अपनी स्कूल का था, मैं कॉलेज का बना, और तीसरी बार राजस्थान में कला और संस्कृति मंत्री बनता हूं। तो मैं कवियों का सम्मान करता हूं, और मुझे खुशी है कि आज जो मंच पर बैठे हुए कवि हैं उनका पूरे राष्ट्र में नाम है। जो कविताओं को मन से ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनको दावे के साथ कह सकता हूं उनका स्वस्थ मनोरंजन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ उनको एक मानसिक खुराक भी मिल रही है। देखिए, आज हमारे देश को लोग भाषा जाति मजहब और धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इल्तिजाए है वतन की, जा निशानों से उठो, ख्वाब गाहों की दिगा परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूं सारों से उठो, मंदिरों से मस्जिदों से गुरुद्वारों से उठो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमारी पूजा इबादत अर्चना के प्रतीक है, हम सब उनको श्रद्धा करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी है हमारी भारत माता। हम भारत माता के लिए आजादी के आंदोलन में तीरी गुलामी का विरोध करते हुए देश को हमने आजाद कराया, उसी प्रकार देश की एकता अखंडता और देश की रक्षा के लिए हम सब लोगों को मिलकर भाषा जाति मजहब और धर्म और
प्रांतीयता से ऊपर उठकर एक होना होगा, अनेकता में एकता का दिग्दर्शन करना होगा, तभी हमारा देश एक रह सकेगा। तो ज्यादा नहीं कहकर नोखा के निवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे विभाग से संबंधित कोई भी काम नोखा के विकास का होगा तो मेरी कलम आप लोगों के लिए निश्चित रूप से चलेगी। मैं कभी सम्मेलन के और आपके बीच में ज्यादा न कहकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप कवियों को सुने। मैं निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में रहता, लेकिन मेरे भी योग नहीं है आपने जो बोला उसका। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है बहुत अच्छे हैं और मैं टीम स्पिरिट से काम करता हूँ। अशोक जी मुख्यमंत्री जी रहेंगे तो अपने आप नहीं मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं 12 बजे की गाड़ी से आपकी इजाजत लेके जाऊंगा और आपको फिर कभी बीकानेर में अथवा जयपुर में सुनूंगा। मैं कभी सम्मेलन रात रात पर सुनता हूँ, लेकिन कल कोई आवश्यक मीटिंग के कारण, कर्तव्य के कारण मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए मेरा योग नहीं है। अभी हो सकता है अगले दिनों में हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ और सभी कवियों का अपनी ओर से और राजस्थान के प्रांत के लोगों की ओर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और नोखा के नगर वासियों को पुनः बधाई देता हूँ कि आप अस्त्र व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।